बताई गई। अभी लोग आ रहे हैं, अभी काफी रास्ते में जैम लगा हुआ है, तो आस्ते आस्ते लोग आ भी रहे हैं, लोगों में उत्साह है, महिलाएं भी है, बुजुर्गवान भी है, युवा साथी भी है, तो हमें विश्वास है कि अभी जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो पूरा पंडाल भर जाएगा और प्रियंका गांधी जी फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगी, लोगों को संबोधित करेगी और आगामी जो पार्टी की जो हमारी रणनीति है उसके बारे में चर्चा करेंगी, बात करेंगी। यहाँ पर नाम दिया गया है परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली, कौन से परिवर्तन की और प्रतिज्ञा की बात हो रही है? परिवर्तन है कि अब जो प्रदेश में वर्तमान सरकार है उसको बदलने का प्रदेश के लोगों ने मन ठाना है, तो इसलिए ये एक परिवर्तन है और हमने एक प्रतिज्ञा ली है कि प्रदेश में वापस कांग्रेस पार्टी की सरकार को लेकर आएंगे, मजबूती के साथ जो कार्य पूर्व में कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किए हैं उनको फिर से प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग है, चाहे कर्मचारी है, चाहे ओपीएस की बात है, चाहे महिलाओं को समर्थन देने की बात है, हर चीज़ को हम बड़े बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसे हमारे नेता जो है वो पूरा करने का कार्य करेंगे। आज कोड ऑफ कंडक्ट शायद लग ही जाएगा जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही है। एक युवा नेता विपक्षी पार्टी का जो पिछले 5 साल का कार्यकाल है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हुई है कि हम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे और डबल इंजन की सरकार है, मगर धरातल पे क्या चीज़ें देखने को मिली है? ना कोई बागवानों को, किसानों को कोई रिलीफ मिला है, युवा आज बेरोजगारी के चलते दर दर भटक रहा है, नशे की प्रवृत्ति प्रदेश के अंदर बढ़ती जा रही है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि हर वर्ग प्रदेश का कांग्रेस पार्टी के साथ है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका जो है वो आने वाले समय में निभाएंगे। आज की रैली मील का पत्थर साबित होगी? हाँ बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है, पूरा शिमला संसदीय क्षेत्र की ये रैली है आज और इसके बाद और जिलों में भी ये रैली आने वाले समय में होगी, तो मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जो है वो कांग्रेस पार्टी को वापस सत्ता में लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। ये विक्रमादित्य सिंह हमारे साथ यहाँ पर मौजूद और इनके साथ कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और अगर आप यहाँ ऊपर नजर डालें तो वहां से लोग चले हुए हैं लगातार ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है और कमेंट सेक्शन भी जो है वो खोल दीजिएगा, बातचीत करेंगे, सिक्योरिटी सिस्टम से होकर के यहाँ पर गुजरना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो फिर सारी यहाँ पर चीजें रहने वाली है। महिलाएं आज आ रही है, पिछले कल करवा चौथ था और आज करवा चौथ के बाद जो है वो महिलाएं यहां पर एकत्रित हुई है, पहुंची है। लाइव टाइम्स टीवी आपको ये सीधी तस्वीरें यहां पर ठोडो मैदान से इस समय पर दिखा रहा है। कुछ लोगों के कमेंट्स भी हमारे बीच में आ रहे हैं। हाँ जी सर, कहां से? राणीगढ़ से। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे रैली को लेकर? रैली को किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की। पक्का? तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, हालांकि अगर हम कांग्रेसियों की बात करें इनको कम आदत है रैली में आने की, बीजेपी की जो जितने भी कार्यकर्ता होते हैं खुल खुल के उठ उठ के बात करते हैं और बाकी जो लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट है जहां पर सिक्योरिटी चेकअप्स जो है वो किए जा रहे हैं और सिक्योरिटी चेकअप्स के बाद जो है वो जनता यहां पर आगे आ रही है, बैग चेक किए जा रहे हैं, ऊपर तक जो है वो झंडे लगे हुए हैं, प्रियंका गांधी की फोटो उसमें, राहुल गांधी की फोटो उसमें, सोनिया गांधी की फोटो उसमें है और लोग धीरे धीरे यहां पर एकत्रित होना शुरू हो गए हैं। ये मैं आपको तस्वीरें थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा उस तरफ की भी, ये आप देख सकते हैं कि काफी रश शुरू हो गया है, जनता यहां पर आनी इकट्ठा शुरू हो गई है। लाइव टाइम्स टीवी पर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं और देखना अब ये होगा कि आज कितनी जनता यहां पर एकत्रित होती है, क्या कुछ यहां पर जो है वो पूरी चीजें रहती है, ये देखने वाली बात होगी और अगले आने वाले आधे घंटे में जो है वो पता लग जाएगा कि क्या यहां पर जो है चीजें। ये एक आप दिखाना चाहेंगे यहां पर हर घर लक्ष्मी और कांग्रेस गारंटी नारी सम्मान निधि करके जो है वो एक तरह से ये बनाए गए हैं और यहां पर लोगों को बताया जा रहा होगा, जानकारी दी जा रही होगी, हालांकि हम तो इन सेगमेंट्स में फिलहाल नहीं गए हैं लेकिन हम जाएंगे थोड़ी देर में और वहां पर जाकर जो है वो उनसे पूछेंगे भी आखिरकार क्या कुछ पूरी चीजें हैं। सिक्योरिटी चेकअप्स हो रहे हैं। भाई साहब आपका नाम? अमर चांडल। कहाँ के रहने वाले हैं? चायल। क्या कहना चाहेंगे आज की रैली को लेकर? बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा आपका नाम सर? पुष्पेंद्र सिंह। आज की रैली को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना, सुनते हैं जी बाद में। क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीद तो अब देखते हैं। देखते हैं किसकी सरकार बन रही है, पता नहीं जी। पता नहीं जी, चलिए
आगे यहाँ पर जनता इनसे पूछते हैं, देखिए कांग्रेस से आश्वस्त नहीं है कांग्रेस के कार्यकर्ता की भी किसकी सरकार बन रही है, क्या कुछ पूरी चीजें हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? हाँ सर, नाम क्या है? सोन लाल। कहाँ के रहने वाले? अर्की से। क्या कहना चाहेंगे आज की रैली को लेकर? सर हमने क्या कहना? कुछ नहीं कहना है आज की रैली को लेकर के, कुछ नहीं कहना है इनका यहाँ पर कहना है। खैर, महिला शक्ति भी यहाँ से आ रही है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। सर आपका नाम? चंद्रमोहन शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही सोलन का रहने वाला हूँ। आज प्रियंका गांधी सोलन में आ रहे हैं, उनको लेकर आपका क्या कहना है? अच्छी बात है, मतलब ये अब चुनाव का सीजन है हिमाचल में, तो सभी जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है अगर वो हिमाचल में आते हैं, लोगों को पता लगता है कि किसने क्या किया है और क्या होने वाला है, तो उस चर्चा करेंगे और लोग अपना निर्णय बनाएंगे। क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? अब आज शायद कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाए। हाँ, आज है 3 बजे उम्मीद है लगने की। ये कहना तो बहुत मुश्किल होता है लास्ट मोमेंट तक, लेकिन देयर इज अ टफ फाइट बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। कुछ उम्मीदें प्रियंका गांधी से? प्रियंका गांधी डेफिनेटली, वो अब गांधी परिवार से है और उनका बहुत देन है राजनीति में, तो उम्मीद है वो लोगों को जागरूक करने में कामयाब होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं।